जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप क्लास 11th में या CS, CMA या CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पांच जर्नल एंट्रीज आपका दिमाग घुमाकर रख देंगी। और इन पांच जर्नल एंट्रीज को आपको ज़रूर करना चाहिए, इस पर MCQ बन सकता है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकती हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जर्नल एंट्री है जिसका नाम है गुड्स सोल्ड टू अस। ये ट्रांजेक्शन में हमारे पास बोल रहा है गुड सोल्ड टू अस, किसी ने हमें सामान बेचा है, ठीक है, बट हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब ट्रांजेक्शन में सोल्ड लिखा है फिर भी हम परचेजेस ले रहे हैं, तो आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि कोई हमें सामान बेच रहा है, तो हमने वो सामान खरीदा होगा, और हम जब सामान खरीदते हैं तो हम परचेजेस को डेबिट करते हैं और कैश को या क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अस। मतलब सेम कॉन्सेप्ट पर अब ट्रांजेक्शन को उल्टा कर दिया गया है, अब कोई हमसे सामान खरीद रहा है, दैट मीन्स हमने सामान बेचा है उसको, तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री में जनरली सेल्स क्रेडिट होता है, और यहाँ पर गुड्स कोई हमसे खरीद रहा है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर बेचा है, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री आपकी ओपन अ बैंक अकाउंट। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग पहली बार कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, आपको कैश डिपॉजिट की तो एंट्री आती थी, पर ओपन अ बैंक अकाउंट में अगर आपका दिमाग खराब ना हो, आप गलत एंट्री ना डालें, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओपन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सही एंट्री मैं आपको बता दूं, दैट इज बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक रिसीवर है आपके पैसे का, और आपके यहाँ से कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट हो जाएगा, और जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आपकी इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। आपकी बैंक में अगर इंटरेस्ट आया हुआ है तो आप इसकी भी एंट्री कई बार गलत बना सकते हैं कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसकी सही एंट्री बनेगी दोस्त बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट होने का मतलब है आपके पास इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, आपकी इनकम है, इनकम जब भी क्रेडिट होती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, और बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि बैंक आपकी इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है इस केस में। देन द लास्ट एंट्री एंड द लास्ट अवेटेड एंट्री इज पेड रेंट टू श्याम इन कैश। दोस्त यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं श्याम को, बट यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी नॉर्मल वाली ही बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम या श्याम अकाउंट डेबिट टू रेंट, इस टाइप की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। द करेक्ट एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर रेंट को हम चेक से पेमेंट करते तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज आपके पास आती रहेंगी जो कि एग्जाम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बना सकती हैं, चाहे आप CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, CMA फाउंडेशन की, या फिर क्लास 11th के नए पैटर्न में भी आपसे इस टाइप की जर्नल एंट्री को MCQ फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। जिन बच्चों ने अब तक जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड जरूर कर लें, हर संडे टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है फॉर क्लास 11th एंड 12th। वीडियो के बारे में अगर कोई भी कमेंट में सजेशन बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।